हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल गर्देश जी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू टाटा मैजिक 2020 के बारे में, जिसको कि अब BS6 इंजन के साथ 10 सीटर में डीजल इंजन में लॉन्च कर दिया गया है। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसमें क्या नया दिया गया है, क्या इसकी कीमत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टाटा का नया मैजिक, जिसको कि अब नए अवतार BS6 इंजन और 10 सीटर में लॉन्च कर दिया गया है। और इसको जो काफ़ी अंदर से भी आप डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी चेंज है, ज़बरदस्त इसको लुक दे दिया गया है। साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है। और फ्रंट की अगर हम बात करें तो लगभग सेम है, लेकिन इसकी जो फ्रंट ग्रिल वगैरह है, थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस बदलाव किए गए हैं। ये है टाटा का मैजिक एक्सप्रेस मॉडल है, और जो कि 10 सीटर में है, डीजल इंजन में है, काफ़ी शानदार इसको BS6 में लॉन्च किया गया है। ये देखिए साइड सीज में आप देख सकते हैं, जो डूर में पहले प्लास्टिक और लेदर के जो पर्दे आते थे, अब इसको कांच के दे दिए गए हैं। ये देखिए काफ़ी शानदार जो इसका डैशबोर्ड को लगभग पूरी तरह से इसमें चेंज किया गया है, कलर और कॉम्बिनेशन अच्छा कर दिया गया है। और दो सिलेंडर इसमें इंजन है। ये देखिए आप अंदर से जो डैशबोर्ड है वो देख सकते हैं, और स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा दे दिया गया है, इसकी जो लेंथ को बढ़ा दिया गया है, 10 पैसेंजर इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए क्लासिक साइड से आप देख सकते हैं, इसमें डिजिटल मीटर दे दिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त इसको बना दिया गया है, वाइट क्रीम और ब्लैक का इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है डैशबोर्ड में। ये रूम लैंप आप देख सकते हैं, सनवाइज़र यह है इसमें आप देख सकते हैं। और इसका जो अंदर से जो डैशबोर्ड है, वो किसी महंगी गाड़ी की तरह इसको लुक वाइज काफ़ी ज़बरदस्त बना दिया गया है। डिजिटल इसमें क्लस्टर मीटर दिया गया है, ये देखिए, जिसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लगभग ये कितने किलोमीटर चल चुका है, क्या टाइम हुआ है, कितना इसमें फ्यूल है, हॉट कूलेंट वगैरह, ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। कितना इसमें फ्यूल है ये आप देख सकते हैं। और इसमें USB चार्जर का भी इस बार ऑप्शन दिया गया है, इको स्विच दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल गियर इसमें दिए गए हैं, और ये साइड में AC के वेंट दिए गए हैं। हालांकि इसमें AC है नहीं, अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। इको स्विच वगैरह इसमें दे दिए गए हैं, USB चार्जर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि नया है। और ये देखिए स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं, इस साइड भी AC का वेंट है, इस साइड भी AC का जो वेंट है वो दिया गया है। और स्पीकर का इसमें ऑप्शन दिया गया है, जब भी आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाते हैं तो स्पीकर की वहाँ पे जगह छोड़ी गई है। 5 स्पीड मैनुअल गियर है, एक रियर है। पीछे की ओर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आप ये देख सकते हैं, इसमें 10 सीटर इसको बना दिया गया है, जो बीच में इसके जो डूर दिए गए हैं वहाँ से आप दोनों साइड से प्रवेश कर सकते हैं। और ये देखिए एक पीछे की ओर है और एक बीच में है, जिसमें 2 या 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, बाकी 4-4 या 3-3 बैठ सकते हैं। पैनिक बटन भी इसमें इस बार दिए गए हैं, जो कि इसके लोकेशन ट्रेस वगैरह ये शायद उसमें काम आते हैं। इसका हम फुल डिटेल वीडियो बाद में बनाने वाले हैं। ये देखिए इसमें 3-4 जो है पैनिक बटन दिए गए हैं। अंदर से जो ये देखिए ग्लास दे दिए गए हैं, पहले इसमें जो लेदर वगैरह के पर्दे आते थे, लेकिन अब ये जो है ग्लास का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बस की तरह इसमें ग्लास दे दिए गए हैं। जब भी आपको जब गर्मी वगैरह लगती है तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, और अगर आप सर्दी लग रही है, हवा आ रही है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इसमें चेंज कर दिया गया है। जब भी आप लंबी दूरी तय करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए इसमें 3 से 4 पैनिक बटन इसमें दिए गए हैं, जो ब्लिंक करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाली दे दी गई है, जो जब भी आप किसी स्कूल वगैरह में या फिर पैसेंजर वगैरह जब बैठते हैं तो इस पर आराम से पैर रख कर इसमें बैठ सकते हैं। ये देखिए स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा दे दिया गया है, एक ये सीट है, एक ये है, और एक पीछे की ओर जो है सीट है। तो इसमें 3 सीट दिए गए हैं, 2 बड़े सीट हैं, एक छोटा सीट है, जो 10 सीटर है। यहाँ पे 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, और पीछे 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि अगर पतले हैं तो 4 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, यहाँ हैंडल पकड़ सकते हैं। और ये देखिए ये आगे की सीट है, आप देख सकते हैं इसमें 3 से 4 आराम से बैठ सकते हैं, और यहाँ पर 2 से या 3 बैठ सकते हैं। ये देखिए
ये बीच वाली छोटी सीट है और एक ये जो पीछे वाली है ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। ये देखिए ये पीछे सीट है, यहाँ पे रास्ता दिया गया है, तो आराम से इसमें जो भी अगर आप बच्चे इसमें बिठाते हैं तो ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। पीछे की प्रोफाइल में लगभग ये देखिए आप सेम सही है, तीन लाइट दी गई हैं। ये देखिए इसमें इस बार आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा, जब भी आप बैग लेते हैं तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पीछे कुछ है, आप अब ज़्यादा बैग नहीं ले सकते। ये देखिए पार्किंग सेंसर, यहाँ पे लाइट दी गई है। ये देखिए इसको जब बैग लेते हैं तो अगर पीछे कोई खड़ा रहता है या कोई वस्तु पड़ी रहती है तो पता चल जाता है कि पीछे है पार्किंग सेंसर, उसको इन्फॉर्मेटिव करते हैं। ये देखिए इसका जो बूट स्पेस है, यहाँ पे आप स्टेपनी वगैरह रख सकते हैं। बूट स्पेस में कोई ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया है क्योंकि जो पीछे की सीट है वो काफ़ी पीछे दे दी गई है, आप ये देख सकते हैं। ज़बरदस्त तो इसमें स्पेस दे दिया गया। जब भी आप लंबी दूरी तय करते हैं तो मेरे ख्याल से ये अब आपको अच्छा मिलेगा। और इस वाजिब रेट में अगर हम 10 सीटर की गाड़ी की अगर हम बात करें तो पहले टवेरा वगैरह आती थी, उनसे अब मेरे ख्याल से ये मैजिक एक्सप्रेस जो अच्छा है। ये देखिए जो पार्किंग सेंसर है यहाँ पे दिए गए हैं, ये इसमें एडिशनल है, जैसे यूएसबी चार्जर है, पार्किंग सेंसर है जो पहले इसमें आपको देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे यूरिया टैंक दे दिया गया है, तो रन करके देखते हैं। और ये देखिए काफ़ी शानदार है, इसका जो 798 सीसी का इसमें इंजन दे दिया गया है और काफ़ी जो इसमें पहले से मेरे को कम्फर्ट लगता है। और इसमें ये देखिए शानदार इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है, डैशबोर्ड का जो लुक है काफ़ी अच्छा शानदार दे दिया गया है, जो हुंडई की गाड़ियों में खासकर आता है जो डैशबोर्ड होता है ज़बरदस्त होता है, लेकिन इस बार टाटा ने अपने मैजिक में भी ज़बरदस्त डैशबोर्ड का लुक दे दिया गया है। और इसमें इको स्विच है जो अगर आप उसको ऑन करते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है लेकिन आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है, और अन्यथा इसकी जो है टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये दौड़ता है। ये देखिए डिजिटल इसमें मीटर दे दिया गया है जिसमें आपको कई सारे फंक्शन मिलते हैं, यूएसबी चार्जर का भी इसमें ऑप्शन है। और ये देखिए जो पहले टाटा मैजिक आता था उसको जो दौड़ाने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन इसको अगर हम दौड़ाएंगे, देखिए जल्दी इसमें स्पीड पकड़ लेता है, 67, 68, 80 की इसकी टॉप स्पीड है। और इको स्विच द्वारा आप कम कर सकते हैं और माइलेज इसका बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 44 HP का इंजन होगा जो कि 798 CC का इंजन होगा और ये 110 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और इसमें आपको 2 साल और 72,000 किलोमीटर की वारंटी फ्री मिलेगी। इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है 3790 mm, इसकी चौड़ाई है 1500 mm और इसकी जो हाइट है वो होगी 1890 mm की। इसका जो व्हील बेस है वो 2100 mm का होगा और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 150 mm का। इसका टर्निंग सर्किल रेडियस जो है 4.3 mm का और इसका जो माइलेज है 21.84 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये माइलेज देगा जो कि काफ़ी अच्छा है, पहले से ज़्यादा माइलेज देगा। ड्राइव लाइन की बात करें तो क्लच पहले से बढ़ा दे दिया गया जो कि 190 mm, और गियरबॉक्स 5-speed मैनुअल गियर। ब्रेक्स में देखेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम मिलेंगे। सस्पेंशन में आपको वही फ्रंट में स्प्रिंग और पत्ते, और पीछे अगर हम देखें रियर में तो सेमी एलिप्टिकल लीफ पत्ता दे दिया गया है। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 30 लीटर की होगी और इसमें 10 लीटर का यूरिया टैंक भी लगा हुआ है। और इसके अगर हम वेट की बात करें तो इसका जो ग्रॉस वेट है वो है 1950 kg और इसका जो कर्ब वेट है वो है 1200 kg। चलिए अब देखते हैं इसकी प्राइस। इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 6,92,000। RTO जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो है 99,800। इंश्योरेंस है 32,000 जो कि जीरो डे पे है, और TRC और फास्टैग के 1200 रुपये लगेंगे। टोटल ऑन रोड इसकी कीमत हो जाती है 8,25,000 रुपये। इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है 30,000 रुपये का, तो आफ्टर डिस्काउंट इसकी ऑन रोड कीमत हो जाती है 7,95,000। अगर हम बात करें फाइनेंस की कि कहाँ से फाइनेंस करवाना होगा और कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी EMI आएगी, तो अभी क्या है कि लॉकडाउन के बाद से जो प्राइवेट जो बैंक्स या फिर फाइनेंस कंपनी है वो अभी फिलहाल लोन नहीं कर रही है। वो जब ही लोन करेंगे तब आपके पास कोई ठोस इनकम प्रूफ हो। अगर आपके पास कोई ठोस इनकम प्रूफ नहीं है तो फिर टाटा मोटर्स खुद फाइनेंस कर रही है जो कि ऑन रोड कीमत का 90% तक फाइनेंस कर रही है। इसकी जो ऑन रोड कीमत है 7,95,000 है, तो इस पे जो अगर हम लोन की बात करें तो 7,95,000 का अगर हम 90% निकालते हैं तो 7,15,500 रुपये का लोन होगा। तो अगर 7,95,000 से 7,15,000 निकालते हैं तो 80,000 रुपये डाउन पेमेंट के होते हैं। तो कुछ फाइल चार्ज वगैरह लगते हैं, लोन सुरक्षा बीमा वगैरह बनता है 10 से 12,000 लगते हैं, तो 80 और 12 लगभग 92,000 आपको डाउन पेमेंट देना होगा और आपकी जो EMI आएगी वो आएगी
17,010 रुपए की 60 EMI आएगी। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आप 7,15,005 साल के लिए लोन पर लेते हैं तो फिर आपको 3,05,600 रुपए आपको इंटरेस्ट का देना होगा, जो कि इस EMI में ऐड है। 17,010 रुपए की आपको 60 EMI भरनी पड़ेगी। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बिल्कुल ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, वो भी लेटेस्ट एंट्री के साथ, उसके अलावा 4 या 6 चेक। उसके अलावा जो मोस्ट कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो आपके नाम से होना आवश्यक है। अगर आपके नाम से नहीं है, आपके पिताजी के नाम से है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पिताजी को एप्लीकेंट लेना होगा। तो इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई किसी प्रकार के गारंटर की जरूरत होगी। गारंटर के रूप में आप किसी भी एक घर के मेंबर का सिग्नेचर करवा सकते हैं, यानी को एप्लीकेंट ले सकते हैं, चाहे आपकी वाइफ हो या फिर आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो, किसी को भी एक घर में से को एप्लीकेंट के सिग्नेचर करवा के आपको 90% तक लोन मिल सकता है। अगर आपके पास खुद के नाम से इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है या फिर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो फिर आपको कोई भी एक इनकम प्रूफ देना होगा, या तो फिर अगर आपके पास ITR फाइल है तो वो दे सकते हैं, खेत की जमाबंदी है तो फिर या वो दे सकते हैं, या फिर आप कोई दुकान का इनकम प्रूफ वगैरह कुछ भी दे सकते हैं तो उससे भी आपको लोन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और गाड़ी और फाइनेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। We'll be right back.